अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशलिस्ट अनम एसेट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्त अता फरमाए। आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि सीने की गुठली की वजूहात और ये कौन सी जो है गुठलियाँ बेजर्ब होती हैं और कौन सी गुठलियाँ जो है आपको तकलीफ़ देती हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ था, लेकिन सवालात बहुत ज़्यादा आए थे। तो आज हम एक एक करके आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, साथ में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्पेशलिस्ट एनएम एसेट सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मिले आने वाली तमाम इस तरह की वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसा कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, ख़वातीन स्पेशली, क्योंकि चेस्ट में गुठली होना एक ख़तरनाक बात समझी जाती है। जब से लोगों को ये अवेयरनेस हुई है कि जो चेस्ट में गुठली होती है या चेस्ट के जो मसाइल होते हैं वो छाती के कैंसर या यरकान में तब्दील हो जाते हैं, ऐसी सोच को रखते हुए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सेमिनार भी किए, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस वीडियोस भी वायरल हुई और इसके अलावा बाकायदा तौर पे लोगों ने हॉस्पिटल्स भी बनाए। आज से कुछ साल पहले जब मैं खुद मेडिकल की स्टूडेंट थी, 9th 10th फर्स्ट ईयर की बात है, तो हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा लोगों में ये पाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर कैंसर की अलामत क्या हैं। तो याद रखिए, जो कैंसर की गुठली और नॉर्मल गुठली है ना, उनमें बहुत फ़र्क है, ठीक है। कैंसर की गुठली जो है अगर आपको बनना शुरू होगी तो शुरुआत में ही आपको हल्का हल्का सीने में दर्द रहने लगेगा। उसके बाद जब गुठली बढ़ जाएगी, यानी आपने उस सीने के दर्द का इलाज नहीं किया, आप डॉक्टर्स के पास नहीं और उन्होंने आपको कह दिया कि आपको ज़ुकाम है, बलगम है, रेशा है, गैस है, जो कि हम आगे वजूहत बयान करेंगे, तो अगर ये मसाइल हैं तो वो आपको उसकी मेडिसिन देके वक्ती तौर पे आराम आएगा और फिर से दर्द रहेगा। यानी कि ऐसी चेस्ट में ऐसी जगह पे मुसलसल एक ही जगह पे दर्द रहना कैंसर की एक बड़ी अलामत है। उसके बाद आपको थोड़े टाइम बाद एक गुठली वाजिया होती है। याद रखें कि वो गुठली काफ़ी हद तक मूव नहीं होती, मूवेबल नहीं होती, वो एक ही जगह होती है, अपनी जड़ें बना रही होती है और इस तरह से फैल रही होती है, बकायदा एक पंजे की तरह हाथ के फैल रही होती है और वो अपनी जड़ें बना रही होती है। उसके बाद जहाँ पर आपको सिर्फ एक एरिया में थोड़ा दर्द हो रहा था, उसके बाद पूरे चेस्ट में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है और वो गुठली भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो ये है कैंसर की वजूहत। उसके अलावा अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और समझदार डॉक्टर हुआ तो पहले वो आपकी चेस्ट की साइड में, क्योंकि अक्सर जो है चेस्ट में जो कैंसर होता है, यरकान होता है, गुठली होती है, वो साइड में होती है, ठीक है, जो साइड वाली है ख़तरनाक है, साइड में आपके चेक करेगा। दूसरी चीज़ आपके बाजू में चेक करेगा वो, कि बाजू में तो कोई गुठली नहीं है। तीसरी चीज़ वो चेक करेगा या करेगी, जिसके पास भी आप जाएँ डॉक्टर के पास, कि क्या आपके निपल से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, ठीक है। डिस्चार्ज अलग अलग किस्म का हो सकता है, पानी की सूरत में, दूध की सूरत में, या फिर लिकोरिया जिस तरह थिक होता है, इस तरह की कोई भी वो हो सकती है, कोई भी डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज बलगम की तरह भी हो सकता है, यानी रेशा टाइप सा डिस्चार्ज भी हो रहा है। इसके अलावा जो चौथी अलामत है कैंसर की, वो ये है कि आपके जो सीना है उसकी शक्ल थोड़ी तब्दील होना शुरू हो जाएगी। ये हैं 5 से 6 जो बड़ी अलामत मैंने आपके साथ शेयर करी। इसके अलावा दिल में दर्द महसूस होना और इसके अलावा बेचैनी महसूस होना, गनूदगी महसूस होना, सर का चकराना, घबराहट महसूस होना, पसीने का आना, ये सारी अलामत कैंसर की एक बड़ी वजूहत है। अब जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं वो क्या हैं, चले हम उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मैसेज आया है वो एक खातून लिख रही हैं, लड़की हैं, जो कि कवारी लड़की हैं, वो कह रही हैं कि मुझे गुठली बन गई है, वो मूव भी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन दर्द कोई नहीं, इसको 3 मंथ हो गए। तो डियर, आपका जो मसला है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ये गुठली शादी के बाद ठीक हो जाएगी। कुछ गुठलियाँ जो हैं, देखें, याद रखें, चेस्ट में 12 किस्म की गुठलियाँ होती हैं, ठीक है, जिनमें एक किस्म जो है कैंसर की है, बाकी जो 11 हैं उनकी कुछ ना कुछ क्योरेबल हैं, लेकिन जो लास्ट वाली यूँ समझेंगे, या तो उसको 12 के लिए या 1 के लिए, जो आखिरी वाली है वो बिल्कुल बेजर्ब है। वो क्यों बनती है, मैं भी यहाँ पर आपको शेयर कर दूँ। गुठलियाँ जो बनती हैं वो अलग अलग किस्म की होती है। एक गुठली खून की गुठली होती है, यानी कि जब उनके लड़कियों के हार्मोन्स ख़राब होते हैं, जिन लड़कियों के पीरियड्स ख़राब होते हैं, जिन लड़कियों के पीसीओएस होता है, उन्हें वो गुठली बनती है, ठीक है, वो गोश्त की होती है, खून की होती है। दूसरी गुठली बनती है चर्बी की, जो लड़कियां फैट ज़्यादा खाती हैं, ऑयल ज़्यादा पसंद करती हैं, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, नाबालिग जब होती हैं तब उनको ये गुठली बनती है। तीसरी वो होती है जो कि नॉर्मल होती है, चर्बी भी नहीं होती खून में, अगर नॉर्मल गुठली होती है, जब
लड़की जो है बच्चे को दूध पिलाने लगती है, यानी कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे उनको पता चल जाएगा नॉर्मल है तो वो आपको एक ही देंगे, अगर आपको इतनी फिक्र है इस गुठली की तो आप शादी कर लें। लेकिन इस चीज़ को बहुत बच्चियाँ जो है बहुत अयूब मानती हैं, बहुत बुरा मानती हैं कि देखें हमें कैसी बात कर दी। लेकिन ये सच है, जब शादी करते हैं शादी के बाद जो है बेबी जब फीड करता है तो वो सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, ये दूध की गुठलियाँ भी आपकी बन जाती हैं, ये हार्मोन चेंजेस की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर हमने कैंसर की बात भी आपको बहुत ब्रीफली समझा दिया। और उसके अलावा अब यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि अगर आपको मल्टीपल गुठलियाँ हैं और आप इससे परेशान हैं तो इसको जानने के लिए आपको खुद को अपने बॉडी को एग्जामिन करना होगा, आपको खुद सोचना होगा कि क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी वाली ये हो सकती है। मैंने कहा ना जैसे 12 किस्म की होती है, खुद से आइडेंटिफाई करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको दर्द नहीं है, आपको बढ़ नहीं रही जितनी थी उतनी है, आपको तंग नहीं कर रही, आपको तकलीफ़ नहीं दे रही, आपको कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा, आपका कोई जो शेप है वो ख़राब नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपने जो है इसको सोचना है कि किस तरह से हुई। और याद रखिए शादी के बाद ही ख़त्म हो गई अगर आपको हो गई है, लेकिन आप कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि जैतून के तेल की मसाज, सरसों के तेल की मसाज, निब्बस से हटा के आपने इसको करनी है। इसके अलावा मॉर्निंग में एक्सरसाइज, वॉक, इससे भी एक बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। इसके अलावा एक रेमेडी है अरके मक्को, अरके मक्को आपको पंसार से मिलेगा, वो आप ले लें, उसको आपने दिन में एक टाइम नाश्ते के बाद आपने एक चम्मच अरके मक्को एक गिलास पानी में मिला के पी लेना है। किसी भी किस्म की जिसमें गुठली हो उसको ये ख़त्म करता है और बहुत अच्छा है। कम से कम 1.5 मंथ इसको पिए, उसके बाद आप उससे अपॉइंटमेंट लेकर रब्ता कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करें। अगर ये बेजर्ब है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसी सूरत में आप अरके मक्को का इस्तेमाल कर सकती हैं। जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, कोई सी भी एक्सरसाइज हो सकती है, वॉक बताइए, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। अगर आपको पीरियड्स प्रॉब्लम है और ये बन रही हैं और ख़त्म भी हो रही हैं तो आपको फिर भी मुझसे रब्ता करना होगा। आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जिसको स्कैनिंग कहते हैं वो आपने करवानी है, और वो टेस्ट समेत आपने अपॉइंटमेंट लेके मुझसे कॉल पे 9 से 10 आप बात कर सकती हैं। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी कि आप किस तरह से अपने हैज का यानी पीरियड्स का इलाज कर सकती हैं। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, इससे सारे मसलों की जड़ बनती है। एनजाइटी, ठीक है, डिप्रेशन, सर का मुसलसल दर्द रहना, के उल्टी और पेट का ख़राब होना, सुस्ती काहली महसूस होना, जिस्म में दर्द महसूस होना, नींद का ठीक से ना आना, बुरे ख्वाब आना, ये सारी वजूहतें हैज की खराबी की। और लास्ट में बताना चाहूँगी आपको कि आपके सीने में गुठलियाँ बनना, ये मालूमात आपको कोई नहीं बताएगा, जितनी रिसर्च आपने यूट्यूब पे करनी कर लें, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा। हम वो शेयर करते हैं आपके साथ चीज़ें जो हमने देखी हैं, जो हमने आजमाई हैं, जो हमने लोगों को बताई हैं, जो सच्ची हैं। तो ऐसी बात पे वीडियो को लाइक तो बनता है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और पसंद आनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो मालूमात आपको शेयर की गई हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और आपके लिए फ़ायदेमंद थी। तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा, अगर आपको किसी किस्म की गुठली बन रही है तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।